हेलो व्यूअर्स, हम अमेरिका से आया है। ये चिट्टू बाबू का ये जो है ना दुकान, अच्छा तुम्हें खाना लगे जरा मुने रखते पारे ना तो मुने थाके अच्छा जब बिका तो एक बार स्टू और चिकन स्टू है। ओके, ये हमारा लेगेसी है, बहुत पुराने हैं, अच्छे भी है। आप खाना खाए हो? वेलकम दोस्तों, बेकर्स लेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं खड़ा हूँ चित्तू बाबू की दुकान पर। तो आपको मैं दिखाता हूँ चित्तू बाबू की दुकान क्यों फेमस है। पहले मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। तो ये सामने में खड़े हैं वो चित्तू बाबू के भतीजे हैं और मैं आपको यहाँ पर भीड़ दिखा देता हूँ। तो अभी दिन के बजे हैं 3 बजे हैं और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर उनका जो फूड आइटम है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ उनके काउंटर पर और कोशिश करूँगा उनसे बात करें, लेकिन फिलहाल काफ़ी भीड़ है, कस्टमर यहाँ पर काफ़ी है, तो शायद अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों फिश फ्राई जो काफ़ी मशहूर है इनकी यहाँ पर, वो ताजी है, यहाँ पर काउंटर पर आ चुकी है। और इनकी जो चाय है, ये दूधे चाय है ना क्या, तो यहाँ पर चाय देखी है, लोग यहाँ पर ब्रेड टोस्ट के साथ में चाय बहुत पसंद करते हैं। तो एक्चुअली ये आइटम उनका जो है ये शाम के टिफिन का है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर 3 बजे दोपहर के समय भी लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, हम अमेरिका से आया है, ये चिट्टू बाबू का ये जो है ना दुकान, अच्छा इंडिया स्टेन में। सो यू कैन सी द पर्सन इज फ्रॉम अमेरिका हु हैज कम टू चिट्टू बाबू दुकान। So how did you find this shop? He heard the name of Chittu Babu Dukan in Dekasthan. Okay. So that's why it was my curiosity okay. to find this place. Okay. And I come here to see and it is my pleasure. Okay. I got it. So what did you have over here? You know the fish fry is very famous. Okay. I told the heart of you. हमारे भारत के खाने में क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है। लोग अमेरिका से भी यहाँ पर आ रहे हैं। So people are coming from America also to have the taste of Indian food. Yes. So thank you for coming to our India. Thank you. Thank you so much. So apna porichoy ta amake amader views ke din apnar naam to Sandeep Rai. Sandeep Rai. So ei dukan ta not from today. Is dukan pe lagbhag 25 saal aage bhi aata tha. मैं जब यहाँ पर जॉब करता था आपकी दुकान पर बराबर आता था, लेकिन अभी यूट्यूब का जमाना है और मैं यहाँ पर पहुँचा तो आपकी दुकान का भी व्लॉग बनाने सोचा। तो आप क्या क्या यहाँ पर आइटम लोगों को सर्व करते हैं? सब रहता है, जो चट जल्दी खाया जा सकता है। अच्छा क्या क्या फिर भी हमारे फिश फ्राई, ओके, स्नैक्स है, मेन कोर्स है, ओके, डेजर्ट है। अच्छा डेजर्ट के लिए चाय है। अच्छा चाय, हाँ चाय। तो लेकिन अब मैं देखता, मैं ज्यादातर शाम के समय में आता था आपके पास में, तो शाम को ज्यादा आपकी भीड़ होती है? नहीं, वो सब कुछ बात नहीं है भैया, हमेशा ही रहती है। उनकी दुकान जो है वो वीकेंड में पूरी खुली रहती है, लेकिन संडे को उनकी दुकान है जरा मुने रखते पारे ना तो मुने थाके। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखिए कस्टमर यहाँ पर लगातार आ रहा है और उनको ये उनका खाना ये सर्व किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे देखिए सज्जन यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं। तो आपने मैंने इतने को फोन दिया सर, আমি এই মিনিট 40 আপনারা আমার মানে অবশ্যই দিয়ে গেলেন আছে বা কোন সময় দিয়ে গেলেন আছে, কিন্তু ওই দোকান তো খুবই ফেমাস। না না, আমি অনেকদিন আগে একবার এসেছিলাম, তারপরে তখনও খেয়েছিলাম। আচ্ছা, তো এখন ওই আবার আসলাম, অনেকদিন পরে এদিকে আসলাম, ওই জন্য আবার খেলাম। আচ্ছা, তাহলে আপনি কি খেলেন আজকে? আজকে আমি যা বিখ্যাত ওই কি বলে স্টু আর চিকেন স্টু আছে, ওকে, আর চা 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 খেলাম। চিকেন স্টু তো ওনার খুবই বিখ্যাত আছে, চিকেন স্টু ইজ দ্য ফেমাস ফেমাস, কিন্তু আমার মতো আগের মতো আর কোয়ালিটি আর নেই। আচ্ছা কেন? খুব একটা সেরকম আগে যেরকম মজা পেতাম সেরকম মজা পেলাম না আরকি। আচ্ছা আচ্ছা, তো হতে পারে মানে ওই দিন হতে পারে, আমারও আমিও বয়স হয়েছে, আমারও জিভের টেস্ট কমে গেছে, এটা হতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ভিউজ। আপনি আমরা দেখেছি, আপনি কে দেন কি আপনার টুরিস্ট আর
आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो उनका जो बेसिकली जो यहाँ पर जो आइटम है वो है चिकन स्टू और चाय है और यहाँ फिश फ्राई भी है। तो आप देख रही है डेकर्स लेन है किस तरह यहाँ पर गली भरी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोग खाने का शौकीन जितने भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं और उनकी दुकान पर यहाँ पर उनका जो आइटम है वो चाय करते हैं। तो मैं कहते हूँ यहाँ पर देखिए चाय बन रही है, यहाँ पर देखिए चाय मैं दिखाऊँ किस तरह चाय बनती है यहाँ पर। तो पहले जो चायपत्ती डाल दी गई उसमें फिर गर्म पानी और ये ऑलरेडी देखिए चाय बनी हुई उसमें थोड़ी मिक्स कर दी गई है, कस्टमर को सर्व कर दी गया। प्राइस होते दादा कत ₹10 মানে আপনি প্রায় এখানে আসেন? দোস্তি ये 35 साल से लोग यहां पर कंसिस्टेंट आ रहे हैं और यहां देखिए उन्होंने चाय पी है तो जो कि बोलते हैं यहां का काफी स्पेस अच्छा है और यहां पर जाहिर सी बात है देख रहे हैं कि यहां पर लोग किस तरह पर हुजूम हुजूम आ रहे हैं और यहां पर खा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको यहां दिखा देता हूं, यहाँ देखिए एक ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ नंबर दिया हुआ है ओके, तो यहाँ पर पार्सल भी हो जाता है। छोटी सी दुकान है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 3 Esplanade East डेकर्स लेन कोलकाता, आप लोग कोलकाता से तो यहाँ पर क्या आप मैंने रेगुलर आते हैं क्या? रेगुलर नहीं होगा पर आते हैं। अच्छा तो चित्र बाबी की दुकान कितने क्यों और बहुत सारी दुकानें हैं? ये हमारा लेगेसी है, बहुत पुराने हैं, अच्छे भी है, आप खाना खाए हो? बहुत अच्छे। अच्छा तो दोस्तों यहाँ लेगेसी की बात आई है, देखिए यहाँ पर लोग कहते हैं कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है लेगेसी है, बाकी मैं कलकत्ता में ऐसी सी भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ लेगेसी मेंटेन की हुई है और यहाँ पर जो खाना है वो लाजवाब है, एक स्पेशलाइज आइटम पर यहाँ लोगों ने दुकान खुली हुई है। तो आपने क्या लिया? पर आपने क्या लिया? स्टू लिए थे। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर जो चुनका जो चिकन स्टू है वो बहुत ही फेमस है। तो देखो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ बड़े चाव से यहाँ पर उनके जो फूड को टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कलकत्ता में आते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप डेकर्स लेन में एक बार जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के शौकीन वाले लोग यहाँ पर भरे पड़े रहते हैं। और अगर आपको चीप एंड बेस्ट मैंने चीप मैं कहूँगा कि मैंने क्वालिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर खाना बहुत ही पसंद किया जाता है, तो अगर आप भी आते हैं तो यहाँ से जो डेकर्स लेन है वो वॉकिंग डिस्टेंस धर्मतला से वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आप भी आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। उनकी इतना टाइमिंग यहाँ पर हमारे उनके जो भतीजे ने बताया तो आप भी आकर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।